बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनमें एक बुजुर्ग जो मुगल बादशाहों के पीर कहलाए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। कुतुब मीनार के पास ही उनकी कब्र है, जहां ये लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। उनके बारे में आता है, उनका नाम तो कुतुबुद्दीन, लेकिन उनके साथ काकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हिंदी में रोटी को कहते हैं, तो ये लफ्ज़ उनके नाम के साथ कैसे लगा? ये भी दिलचस्प वाकया है। जब उनकी पैदाइश हुई, ज़रा समझ बूझ वाले हो गए, माँ बाप बैठकर सोचने लगे कि हम बच्चे को किस तरह अच्छी तरबियत करें ताकि हमारा बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने वाला बन जाए। दोनों आपस में डिस्कस करते रहे, लेकिन जो बात डिस्कस करते उसे उसी वक्त अमल में ले आया करते। लिहाजा माँ बाप बैठे डिस्कस कर रहे थे, बीवी कहने लगी, मेरे जहन में एक बात है, मैं कल से इस पर अमल करूँगी, जिसकी वजह से मेरा बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। खाविंद ने कहा, बहुत अच्छा। चुनांचा अगले दिन जब बेटा मदरसे में गया तो पीछे माँ ने उसकी रोटी बना दी और अलमारी के अंदर कहीं छुपा दी। जब बच्चा आया, कहने लगा, अम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दें, तो माँ ने कहा, बेटा रोटी तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं, आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगनी चाहिए। बेटे ने पूछा, अम्मी मैं कैसे मांगूँ? फरमाया कि बेटे मुसल्ला बिछा दो, उस पर बैठकर अपने दोनों हाथ उठाओ और अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगो। चुनाचा बच्चे ने मुसल्ला बिछाया, दोनों हाथ उठा लिए और दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह मैं अभी मदरसे से आया हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे भूख लगी हुई है और मुझे प्यास भी लगी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे रोटी भी दे दीजिए और पानी भी दे दीजिए, ए अल्लाह मुझे जल्दी से दे दीजिए। ये दुआ मांगने के बाद बेटे ने पूछा, अम्मी अब मैं क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरा रिज्क भेज दिया होगा, कमरे के अंदर तलाश कर तुझे मिल जाएगा। चुनांचा बेटा मुसल्ले से उठकर कमरे में इधर आया तो माँ ने उसे गाइड किया। चुनांचा उसने ढूंढने लगा और अलमारी खोलकर उसने देखा, उसमें गरम गरम रोटी बनी हुई है, बड़ा खुश हो गया। फिर खाना खाते हुए पूछने लगा, अम्मी रोज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा रोज़ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं। अब रोज़ ही इस बच्चे की आदत बन गई कि वो मदरसे से आता, मुसल्ला बिछाता, दुआ मांगता और अलमारी खोल के खाना खाता। जब कई दिन गुजर गए, माँ ने महसूस करना शुरू कर दिया, बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक ज़्यादा सवाल पूछने लगा। अम्मी सारी मखलूक को अल्लाह ताला खाना देते हैं, अम्मी अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं, अम्मी अल्लाह ताला हर रोज़ खाना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत खूब बैठने लग गई। माँ भी बड़ी खुश थी, बच्चे की तरबियत अच्छी हो रही है। और ये सिलसिला कई महीने ऐसा चलता रहा। बिलाखिर एक दिन ऐसा आया, माँ को किसी तकरीब में रिश्तेदारों के घर जाना पड़ा। बेचारी वक्त का ख्याल न रख सकी। जब उसे याद आया कि वक्त तो बच्चे के वापस आने का हो चुका, माँ घबराई, मेरा बेटा स्कूल से वापस घर आ गया होगा, उसको खाना ना मिला तो मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब आँखों में आंसू आ गए, बुरका पहना कदम तेज़ी से उठा रही है, आंखों में सिर्फ आंसू टप टप गिर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करती जा रही है, मेरे मौला मैंने एक छोटी सी तरकीब बनाई थी, मेरे बेटे के दिल में तेरी मोहब्बत बैठ जाए। अल्लाह मुझसे गलती हुई, मैं वक्त का ख्याल ना रख सकी, खाना पका कर ना रख आई। अल्लाह मेरे बेटे के यकीन ना टूटे, अल्लाह मेरी मेहनत ज़ाया ना कर देना। रोती हुई माँ बिलाखिर जब घर पहुँची तो क्या देखती है, बच्चा बिस्तर के ऊपर आराम की नींद सोया हुआ है। माँ ने गनीमत समझा और जल्दी से किचन में जाकर खाना बना दिया और फिर उसे कमरे में छुपा दिया। फिर अपने बेटे के पास आई, आकर उससे रुखसार का बोसा लिया, बच्चा जाग गया। मैंने सीने से लगा लिया, मेरे बेटे तुम्हें आते हुए देर हो गई, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, बहुत प्यास लगी होगी, बेटा उठो अल्लाह से रिज़्क मांग लो। बेटा हशाश बशाश उठकर बैठ गया, अम्मी मुझे भूख नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। माँ ने पूछा, बेटा क्यों? बेटा कहने लगा, अम्मी जब मैं मदरसे से घर आया, मैंने मुसल्ला बिछाया, मैंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे खाना दीजिए, और अल्लाह जी आज तो अम्मी भी घर पर नहीं है। मैंने ये दुआ मांगकर अम्मी कमरे में जाकर देखा, अम्मी मुझे कमरे में एक रोटी पड़ी हुई मिली, मैंने उसे खा लिया, लेकिन अम्मी जो मज़ा मुझे उस रोटी में आया, वो मज़ा मुझे कभी नहीं आया। माँ ने बच्चे को फिर सीने से लगाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और कहने लगी, या अल्लाह तूने मेरी लाज रख ली, इसलिए इसका नाम काकी पड़ गया।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा शेख बन गया कि वक्त के बड़े बड़े मुग़ल बादशाह उनके मुरीद बने। लाखों की तादाद में लोग उनसे बेद हुए और उनके हाथों में ही तोबा ताइब हुए। सुभान अल्लाह, जब बच्चे की माँ यूँ तरबियत करती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बच्चे को रोशनी का मीनार बना दिया करते हैं।